कन्या के विवाह के लिए, शीघ्र विवाह के लिए और कृष्ण जैसा वर चाहिए, वर के लिए इस मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। इस मंत्र से भगवान को गोपियों ने पति रूप में वरण करने की प्रार्थना की मां भगवती परम्बा को। कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिते कुरुते नमः। सुंदर पति प्राप्त करने के लिए, गुणवान पति प्राप्त करने के लिए कन्या को यह मंत्र का अनुष्ठान करें तो उसका घर बार अच्छा मिलता है और शीघ्र शादी हो जाती है। अगर लड़के की शादी जल्दी नहीं हो रही हो तो उसके लिए मंत्र बताया है वह भी भगवती का ही है। पत्नी मनोरमाम देही, पत्नी मनोरमाम देही, पत्नी प्राप्त करने के लिए ये मंत्र है। अगर आपको आवश्यकता हो तो दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्रों में ये श्लोक पूरा लिखा हुआ है। पत्नी मनोरमाम देही वृत्तानुसारणी तारणी दुख तारण, ऐसा वो मंत्र है। उसमें आप देख सकते हैं, इसका अनुष्ठान करेंगे तो आपके पुत्र का विवाह शीघ्र हो जाएगा। पुत्री के लिए ये मंत्र है। तो देवियों ने भगवान की, मां भगवती की प्रार्थना की। भगवान ने चिरहरण की लीला की है। चिरहरण की लीला से ये वासना के हरण की लीला है। गोपियां यमुना जी में वस्त्र उतार करके स्नान करती थी प्रातःकाल कार्तिक के मास में। तो भगवान कहते थे कि यमुना जी में किसी भी तालाब में, सरोवर में, गंगा में, यमुना में, अपने घर की बाथरूम में भी वस्त्र उतार करके, निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं किया जाता, क्योंकि जल में वरुण देवता का निवास होता है, दोष लगता है। वो गोपियों गोपियों को समझाना चाहा, गोपियां नहीं मानी, तो भगवान ने घाटों से गोपियों के वस्त्र चुराए और कदम की वृक्ष की डाली पर जाकर के लटका दिए और वहां बैठकर की बंसी बजाने लगे। यहां भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया है। चिरहरण की जो लीला है ये वासना के हरण की लीला है। इसमें वासना नहीं है, इस प्रसंग को अन्यत्र नहीं लेना चाहिए। ये काम पर विजयी प्राप्त करने वाली लीला है चिरहरण। गोपियों ने आकर के प्रार्थना की, भगवान ने समझाया कि वरुणों में वरुण भगवान का दोष लगता है, वरुण मेरा ही रूप है। हे प्रभु, अब ऐसी हम गलती कभी नहीं करेंगे कि जो हम निर्वस्त्र होकर के गंगा में, यमुना में, किसी भी तट पर, सरोवर में स्नान करें, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।